पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा से ही नरक रहा है, जहां धर्मांतरण कराने वाला बहुत से गैंग काम कर रहे हैं वहां पर। लेकिन इमरान खान की कुर्सी संभालने के बाद अब धर्मांतरण कराने वाले गैंग बेलगाम हो गए हैं। तो अब वही कहीं भी अल्पसंख्यक के घर पर हमला करके उनकी बेटियों को अगवा कर लेते हैं और फिर बंदूक की नोक पर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। यही नहीं, नाबालिग लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उनकी शादी ऐसे लोगों से कराई जा रही है जो पहले से शादीशुदा है। लड़की चाहिए, हम अपील करते हैं एसपी साहब को। उसकी उम्र कितनी है? 14 साल। धर्म बदला गया, उनको जबरन निकाह किया गया। चाके भी उस धर्म में नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास सजाए मौत है। पिछले 3 महीनों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 50 लड़कियां अगवा हो चुकी हैं। इमरान राज में कट्टरपंथी हुए बेलगाम। अल्पसंख्यकों की बेटियों का अपहरण हुआ आम। सिंध में धर्मांतरण गैंग का बढ़ा अत्याचार। अब घर में घुसकर शुरू हुआ अल्पसंख्यक बेटियों का अपहरण। पाकिस्तान में जहां भी अल्पसंख्यक होगा वहां जुल्म की एक दास्तान भी आपको जरूर मिल जाएगी। अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम रहा है, लेकिन इमरान खान की कुर्सी संभालने के बाद तो धर्मांतरण गैंग बन गए हैं जो अब घर में घुसकर अल्पसंख्यक बेटियों को अगवा कर रहे हैं। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद सिंध प्रांत में तो अल्पसंख्यकों पर आफत आ गई है। अब हालात ये है कि सिंध प्रांत में हर रोज एक अल्पसंख्यक बेटी धर्मांतरण गैंग का शिकार हो रही है। ये धरना प्रदर्शन सिंध में अल्पसंख्यक बेटियों पर टूटे कहर के खिलाफ हो रहा है। यहाँ लोग 15 साल की एक नाबालिग लड़की को अगवा किए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे। हम अपील करते हैं एसपी साहब को, मेहरबानी करके दिल से काम करें। 15 जनवरी को सिंध के जैकोबाबाद में धर्मांतरण कराने वाले गैंग का कहर एक गरीब परिवार पर टूटा, जब 15 साल की एक नाबालिग का गुंडों ने अपहरण कर लिया। आज उस बेटी का बाप दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अभी हम FIR कटा रहे हैं, हमें लड़की चाहिए, हम अपील करते हैं एसपी साहब को, मेहरबानी करके दिल से काम करें, हम उसको दुआ देंगे। ये उस नाबालिग लड़की का बदनसीब बाप है जिसकी बेटी को धर्मांतरण कराने वाले गैंग के लोग अगवा करके ले गए और उसका धर्म परिवर्तन कराकर एक मुस्लिम युवक से शादी भी करा दी। हद तो तब हो गई जब बंदूक की नोक पर उस लड़की से ये बयान दिलवाया गया कि लड़की की उम्र 18 साल है। आप भी सुनिए कैसे डरा धमका कर लड़की का बयान लिया गया। इस लड़की से जो बयान डरा धमका कर लिया गया है उसका सच क्या है, यह आप इस लड़की के पिता के बयान से समझ सकते हैं। जिस लड़की को पाकिस्तान का धर्मांतरण गैंग 18 साल का साबित करने की कोशिश कर रहा है वो अभी 9वीं क्लास में पढ़ती है। उसकी उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल। कौन से क्लास में पढ़ती है? 9th में पढ़ती है। 9वीं क्लास की एक लड़की के अपहरण के बाद जब ये परिवार पुलिस प्रशासन के पास मदद मांगने गया तो पुलिस ने उसे क्या जवाब दिया ये भी सुनिए। अभी आप SP साहब से मिले तो क्या कहेंगे? SP साहब बोल रहा है हमें 3-4 दिन दो। सिंध में हर रोज अल्पसंख्यक लड़कियों का अपहरण हो रहा है, इसके बाद भी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? तो इसकी वजह है ये शख्स, इसका नाम है मिट्ठू मियां। मिट्ठू मियां सिंध में धर्मांतरण गैंग का सरगना है और वो दरगाह बरचुंडी शरीफ का पीर है। इसी दरगाह में सबसे ज्यादा
धर्मांतरण किया जाता है। मिट्ठू मियां अब तक 117 लड़कियों का धर्मांतरण करा चुका है और पुलिस मियां मिट्ठू का नाम आने पर चुप हो जाती है। एक सौ सत्रह लड़कियों का धर्मांतरण कराने वाले शख्स के नाम पर पुलिस चुप क्यों रह जाती है? उसकी वजह है इसका रसूख, जिसे समझने के लिए आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखिए, इसमें नजर आ रहे हैं पाकिस्तान सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा और उनके साथ खड़ा है धर्मांतरण गैंग का सरगना मिट्ठू मियां। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में बाजवा का हाथ एक शख्स के गाल पर है। ये शख्स मियां मिट्ठू का बेटा है जो धर्मांतरण के लिए अगवा करने वाले गुंडों का बॉस है। इस तस्वीर में आप बाजवा के बगल में खड़े मिट्ठू मियां को भी देख सकते हैं। मिट्ठू मियां सिर्फ बाजवा का ही करीबी नहीं है बल्कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इमरान खान का भी बेहद करीबी है। इस फोटो में मिट्ठू मियां इमरान खान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख का चहेता मिट्ठू मियां ही पाकिस्तान में धर्मांतरण गैंग का सरगना है और यही वजह है कि पाकिस्तान की पुलिस उसके नाम पर चुप हो जाती है। इसीलिए भारत सरकार से ये मांग उठ रही है कि वो पाकिस्तान पर मिट्ठू मियां पर कार्रवाई करने का दबाव बनाए। पाकिस्तान की सरकार खुद अपनी शहर से हिंदू परिवारों की बेटियों का रोज अपहरण करा रही है और ये ताजा घटना जो है ये कल रात की घटना है। मैं विनती करता हूँ विदेश मंत्रालय जी से, जयशंकर जी से, इसके ऊपर तुरंत नोटिस दिया जाए और उस परिवार की जहाँ बच्ची वापस दिलाई जाए वहीं इस अली हासन नामक गुंडे के ऊपर मुकदमा दर्ज करा के इसको अंदर दिया जाए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले जुल्म की वजह से ही वहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या लगातार घट रही है और अब तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ गिने चुने अल्पसंख्यक परिवार ही बचे हुए हैं जिन्हें खत्म करने के लिए मिट्ठू मियां जैसे लोगों ने अभियान चला रखा है। अल्पसंख्यकों पर होने वाले जुल्म की वजह से ही पाकिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी सिकुड़ती जा रही है। अब तो हालात ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान में गिने चुने ही अल्पसंख्यक बचे हुए हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी आबादी सिंध प्रांत में है जहां मिट्ठू मियां जैसे लोगों ने धर्मांतरण की दुकान खोल दी है ताकि बचे कुचे अल्पसंख्यकों को खत्म किया जा सके। पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों पर जुल्म की हर रोज नई वारदात सामने आती है जिसकी वजह से अल्पसंख्यकों की आबादी लगातार सिकुड़ती जा रही है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक किस कदर जुल्म के शिकार हैं, उसका अंदाजा वहां की घटती अल्पसंख्यक आबादी के आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 22% के करीब थी और 73 साल बाद यानी 2020 में यहां अल्पसंख्यक आबादी 3.7% ही बची है। अल्पसंख्यकों में हिंदुओं की कुल आबादी 1.60% है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी सिंध प्रांत में है जहां 6.51% अल्पसंख्यक हैं। बिजनेस की तरह रन करते हैं। Religious figures run this like a business. They get money for conversions. They say that converting someone to Islam will be rewarded by God, and this influences our whole criminal justice system, including police, judges, prosecutors, and others involved. पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले कट्टरपंथी कानून के शिकंजे में भी नहीं आते। इसकी वजह है पाकिस्तान का ईश निंदा कानून। ईश निंदा कानून जनरल जियाउल हक ने बनाया था। इसके तहत पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने पर पाबंदी है। इस कानून के तहत मौत की सजा का प्रावधान है और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ज्यादातर अल्पसंख्यकों पर यह कानून तोड़ने का आरोप लगता है। कट्टरपंथी इसी कानून का सहारा लेकर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करते हैं। इसी कानून की वजह से जिन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है वो वापस अपने मजहब में भी नहीं आ सकती और इसी का फायदा मिट्ठू मियां जैसे धर्मांतरण कराने वाले लोग उठाते हैं। उसके बाद वो वापस चाह के भी उस धर्म में नहीं जा सकती क्योंकि उसके बाद सजाए मौत है। पाकिस्तान में ईश निंदा कानून का इस्तेमाल लोग अल्पसंख्यकों से अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए भी करते हैं जिसमें एक ओर तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने को मानवाधिकार का हनन मानकर पूरी दुनिया में शोर मचाता है लेकिन उसके अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है इसका उसके पास कोई जवाब नहीं। और अब बात समंदर में उस सिंघम की जिसने पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी नींद उड़ा दी है।
भारतीय ने रविवार को आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से K-4 नाम की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। K-4 मिसाइल ने पहले से निर्धारित लक्ष्य को निस्तनबूत कर दिया, लेकिन इस मिसाइल के शोर से इमरान खान और शी जिनपिंग के पसीने छूटने लगे, इसलिए क्योंकि K-4 न सिर्फ परमाणु ताकत से लैस है बल्कि चीन के किसी भी कोने में हमला करने की काबिलियत रखती है, जबकि पाकिस्तान के पास इस बैलिस्टिक मिसाइल का कोई तोड़ नहीं। छब्बीस जनवरी से पहले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परीक्षण K-4 के सफल परीक्षण से कांपा चीन और पाकिस्तान। भारत ने किया परमाणु शक्ति से लैस मिसाइल टेस्ट। समंदर में हिंदुस्तान के नए सम्राट की दस्ता। समंदर की लहरें उफान मार रही थी, नीले पानी में जैसे कुछ बड़ा होने वाला था। समंदर की शांत फिजाओं में किसी ब्रह्मास्त्र के शोर की आहट थी। तभी लहरों को चीरती हुई एक मिसाइल आसमान की ओर कूच कर गई। पीछे धुएं का गुबार और आवाज से भी तेज रफ्तार। आसमान की गहराइयों में मिसाइल कहीं खोसी गई। इसके बाद ऐलान होता है कि मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को भेद दिया है। फिर इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक जैसे कोहराम मच गया। मिसाइल की आवाज भारत की समुद्री सीमा से निकलकर उपमहाद्वीप के दुश्मन देशों को परेशान करने लगी, क्योंकि ये कोई आम मिसाइल नहीं थी, ये मिसाइल थी K-4। रविवार को भारत ने आंध्र प्रदेश के तट से परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल K-4 का सफल परीक्षण किया। माना जा रहा है कि K-4 के सफल परीक्षण से भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। K-4 मिसाइल को भारतीय रक्षा और अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। जी हां, भारत ने रविवार को K-4 नाम की ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक ऐसी मिसाइल है जो परमाणु हमला करने की कुव्वत तो रखती ही है, पाकिस्तान के साथ साथ चीन के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। K-4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है दिशा बताने वाली तकनीक से लैस। मिसाइल पहले से निर्धारित लक्ष्य पर जाकर ही गिरती है। ऐसी मिसाइलों में बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटकों को ले जाने की क्षमता होती है। भारत के पास K-4 के अलावा पृथ्वी, अग्नि और धनुष जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये जो मिसाइल स्पेशली अंडरवाटर लॉन्च कैपेबिलिटी जो है, हाँ, SLBM, हाँ, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है, तो ये हमारे को एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी, ओवरऑल स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी ऑफ जिसको हम ट्रायड बोलते हैं, कि आपको एक कोई न्यूक्लियर वेपन आप लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं, आप एयर से भी लॉन्च कर सकते हैं और आप सी से भी लॉन्च करते हैं। दुनिया में सिर्फ 5 कंट्रीज हैं जिनके पास है वो कैपेबिलिटी और आज हमने उनको अच्छी तरह ज्वाइन कर लिया। K-4 नाम की सबमरीन मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने तैयार किया है। इस मिसाइल का परीक्षण दिन में समुद्र के अंदर मौजूद प्लेटफॉर्म से किया गया, तो परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियों पर तैनात करने से पहले इस मिसाइल के कई और परीक्षणों से गुजरने की संभावना है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रविवार को किया गया परीक्षण 100% सफल रहा और मिसाइल ने अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि K-4 पानी के नीचे चलने वाली उन दो स्वदेशी मिसाइलों में से एक है जिन्हें समुद्री ताकत बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। ऐसी ही एक और मिसाइल है BO-5 जो 700 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर मौजूद अपने लक्ष्य पर हमला कर सकती है, जबकि K-4 मिसाइल 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, वो भी परमाणु हथियार के साथ।
सिर्फ एक ही और मिसाइल है भारत के पास जो कि पनडुब्बी से क्या हम फायर कर सकते हैं, और वो है K-15। तो K-15 जो है आपका, उसकी रेंज जो है करीब 750 किलोमीटर की है, तो ये एक बहुत बड़ा जंप है। वो 750 किलोमीटर की है और आपकी K-4 मिसाइल जो है वो 3500 किलोमीटर की है। K-4 मिसाइल को नौसेना की स्वदेशी INS अरिहंत श्रेणी की परमाणु संचालित पनडुब्बी पर तैनात किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल नौसेना के पास INS अरिहंत ही एकमात्र ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणु क्षमता से लैस है। लेकिन समंदर में भारत के इस नए सम्राट की दस्तक से चीन और पाकिस्तान क्यों परेशान? क्यों भारत के दुश्मन देशों की बेचैनी बढ़ गई है? इन सवालों के जवाब आपको बताएं, उससे पहले देखिए उस बैलिस्टिक मिसाइल का इतिहास जिसे बनाने में भारत ने अब महारत हासिल कर ली। सबसे पहली बैलिस्टिक मिसाइल का नाम A-4 था। इसे जर्मनी ने 1930 से 1940 के बीच विकसित किया था। रॉकेट वैज्ञानिक वीवी ब्राउन की देखरेख में ये मिसाइल बनाई गई थी। A-4 को V-2 रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका परीक्षण 3 अक्टूबर 1942 को हुआ था। हमारी ट्रेड जो है बहुत भारी हिस्सा उसका इंडियन ओशन के थ्रू जाती है, तो जो सी लाइंस ऑफ नेविगेशन है इंडियन ओशन, वो हमारी ट्रेड के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी फ्यूचर के लिए जरूरी है। तो अगर हमारी नेवी और हमारे पास ये मिसाइल सिस्टम्स हो जाते हैं, तो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में शायद हमारे दुश्मन कोशिश ना करें कि हमारी जो ट्रेनिंग वेसल है उनको ऊपर हमला हो। जाहिर है K-4 मिसाइल के सफल परीक्षण से दुश्मन देशों को सावधान रहने की जरूरत है। भारत अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला, लिहाजा अरब और हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में जुटी पाकिस्तान और चीन की नौसेनाओं को कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। संयुक्त युद्धाभ्यास से अगर चीन और पाकिस्तान ये सोच रहे हैं कि वो भारत पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये दोनों मुल्क गलत फहमी के शिकार। हिंदुस्तान की K-4 मिसाइल 3,500 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने की ताकत से लैस है। खास बात यह है कि K-4 मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जा सकती है, मतलब यह कि समंदर में भारत को K-4 के तौर पर ऐसा सिंघम मिल गया है जो दुश्मन देशों की चालबाजियों को मटियामेट कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की मीडिया जंग का ढोल पीट रही है और भारत की सैन्य ताकत को खतरे के तौर पर देख रही है। नीले पानी से आसमान की ओर उड़ान भरती K-4 मिसाइल की तस्वीरों ने इमरान खान को परेशान कर दिया है। K-4 मिसाइल के सफल परीक्षण से शी जिनपिंग के माथे पर शिकन की लकीरें खिंच गई हैं। समंदर में हिंदुस्तान के इस नए सम्राट की आहट से दुश्मन मुल्कों की बेचैनी बढ़ गई है, तो बेचैनी बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को अब ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उनकी पुश्तें भी याद रखेंगी। भारत के पड़ोसी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन, सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत ने K-4 के रूप में एक ऐसी क्षमता हासिल कर ली है जो पलक झपकते ही दुश्मनों का काम तमाम कर सकती है। जी हां, K-4 मिसाइल 200 किलो वजनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। दुश्मन के रडार भी इस मिसाइल को आसानी से नहीं पकड़ सकते। इस मिसाइल को पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता है। रेंज है वो करीब 3,500 किलोमीटर रेंज है K-4 मिसाइल का, और इसकी जो लंबाई है करीब 12 मीटर है, और इसका जो डायमीटर है वो करीब 0.8 मीटर है, और ये सबमरीन से लॉन्च हो सकती है मिसाइल। जानकारों के मुताबिक K-4 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद से पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल कुछ ही पलों में चीन और पाकिस्तान के शहरों पर निशाना लगाकर उसे पूरी तरह से तबाह करने की सलाहियत रखती है।
तो पाकिस्तान और चीन के होश इसलिए भी फाख्ता है क्योंकि इसके पहले 20 दिसंबर 2019 को डीआरडीओ ने पिनाका मिसाइल का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया था। पिनाका मिसाइल की मारक क्षमता अब 90 किलोमीटर तक हो गई है। वहीं पिछले साल 17 नवंबर को 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का सफल परीक्षण भी किया गया था। देश में ही बनाई गई 21 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 17 टन वजन वाली ये मिसाइल 1000 किलोग्राम तक विस्फोटक लेकर जा सकती है। तो शायद यही वजह है कि खास तौर पर पाकिस्तान का डर के मारे बुरा हाल है। पाकिस्तान की मीडिया इसे जंग की आहट के तौर पर देख रही है, जबकि हकीकत तो ये है कि हिंदुस्तान सिर्फ दुश्मनों से निपटने की तैयारी कर रहा है। वो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ कुछ करता है तो उसको अमेरिका वगैरह से हमायत मिल जाएगी। उसकी वजह ये है कि अमेरिका ने भी उसको एक डिस्प्यूटेड एरिया करार दे दिया। दूसरी तरफ उन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए इससे क्या हो सकता है, सीपैक में बढ़ता नहीं देखना चाहते। लिहाजा ये इश्यूज जो है, ये खतरात आपके बड़े रियल है। इसमें उससे भी बड़ा जो खतरा है हमें, वो हमारी इंटरनल डिसयूनिटी है, इंटरनल सीरियसनेस है जो नहीं है, इंटरनल वीकनेस है हमारी बेशुमार इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमी के बावजूद, इकोनॉमी के अलावा। K4 मिसाइल ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से ऐसी ही मिसाइल पावर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक वो हिंदुस्तान से बराबरी नहीं कर सका। समंदर में भारत ही सिंघम है। पाकिस्तान के पास K4 की ही तरह बाबर 2 मिसाइल है। बाबर 2 मिसाइल परमाणु ताकत से लैस है। इस मिसाइल को पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता सिर्फ 450 किलोमीटर है। यही नहीं, पनडुब्बी से छोड़े जाने की इसकी क्षमता आज भी सवालों के घेरे में। पाकिस्तान के पास एक ही मिसाइल है जो वो कहते हैं कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, वो है बाबर 3। और बाबर 3 का अगर हम रेंज देखें तो करीब 450 किलोमीटर रेंज है, मगर मतलब कि आपकी जो पुरानी की मिसाइल थी K-15 जो थी उससे भी कम है। तो उनके पास नॉर्मल सबमरीन से लॉन्च करना पड़ेगा, उनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है। आज से करीब 3 साल पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसकी बाबर 3 मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जा सकती है। यही नहीं, कुछ दिनों बाद उसने बाबर 2 का परीक्षण कर इसे उन्नत करने का दावा भी किया, लेकिन पाकिस्तान के दावों पर कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी पनडुब्बियां ही नहीं हैं जो परमाणु हथियार से लैस मिसाइल को दाग सके। पाकिस्तान के पास एक भी SSBN नहीं है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कहा जाता है। पाकिस्तान के पास एक भी SSN नहीं है, जिसे न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन कहा जाता है। पाकिस्तान के पास डीजल से चलने वाली 5 पनडुब्बियां ही हैं, जबकि 3 छोटी पनडुब्बियां जिन्हें मिनी सबमरीन कहा जाता है। नीले पानी में पाकिस्तान और चीन हमेशा से भारत के खिलाफ साजिशों का चक्रव्यूह तैयार करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब भारत ने भी हजारों मील लंबी अपनी समुद्री सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित रखने और साजिशों का जवाब देने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भारत करीब 1 महीने बाद मिलन 2020 के नाम से हिंद महासागर में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। खास बात यह है कि इस युद्ध अभ्यास में 1-2 नहीं बल्कि दुनिया के कुल 41 देश हिस्सा लेंगे। समंदर में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। मिलन 2020 से चीन और पाकिस्तान में सन्नाटा। अरब सागर में चीन और पाकिस्तान ने हाल ही में सी गार्डियन 2020 के नाम से संयुक्त युद्धाभ्यास किया था। मकसद दोनों देशों की नौसेनाओं के आपसी सामंजस्य को बढ़ाना नहीं था, बल्कि अरब सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ भारत को चुनौती देना था। लेकिन हिंदुस्तान ने चीन और पाकिस्तान की रणनीति की ऐसी काट निकाली है कि दोनों देश तिलमिला उठे हैं। दरअसल भारत मिलन 2020 नाम से एक ऐसा मल्टीनेशनल एक्सरसाइज करने वाला है जिसमें 1-2 नहीं बल्कि कुल 41 देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी। मिलन 2020 का थीम वीडियो जारी कर दिया गया है। मार्च के महीने में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होने जा रही मिलन 2020 का थीम है सिनर्जी अक्रॉस द सीज।
साल 2020 में नौसेना का ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, क्योंकि दो दशक पहले जब मिलन की शुरुआत हुई थी तो सिर्फ चार देश ही इसमें शामिल हुए थे। लेकिन 2020 में पहली बार हिंद महासागर में भारत के साथ उसके 41 दोस्त इकट्ठा होंगे। मिलन युद्धाभ्यास अब की बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं बल्कि विशाखापट्टनम में होगा। मिलन 2020 युद्धाभ्यास के लिए 12 विदेशी जंगी जहाजों की मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई बड़े देश मिलन 2020 में शामिल होंगे। भारत ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की को मिलन 2020 का न्योता नहीं दिया, जबकि भारत ने ईरान और इसराइल को भी मिलन 2020 में शिरकत करने का निमंत्रण भेजा है। मिलन 2020 एवरी ऑल्टरनेट ईयर किया जाता है, हर दो साल में एक बार मिलन 2020 हो जाता है, और इसमें हम काफ़ी नेशंस को इनवाइट करते हैं, स्पेशली लोकल इंडियन ओशन रिम रीजन एरिया के नेशंस, प्लस बाहर के बड़ी बड़ी आर्मीज, बड़ी बड़ी नेवीज के रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इसमें। और ये भी एक बहुत बड़ा आई वुड से अपॉर्चुनिटी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। विशाखापट्टनम में होने वाली एक्सरसाइज को आप युद्ध के लिए ट्रेनिंग कह सकते हैं, क्योंकि नौसेना जंग जैसे हालात के लिए खुद को तैयार रखने की कोशिश करती रहती है। भविष्य में दूसरे देशों की नौसेनाओं के साथ मिलकर काम करना पड़ सकता है, इसलिए जरूरी है कि सभी देशों के बीच मजबूत सैन्य संबंध स्थापित हो। मिलन 2020 इसी की ओर बढ़ाया गया एक कदम है, जिससे पाकिस्तान और चीन फिलहाल सदमे में है। भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान अक्सर परेशानियां खड़ी करते रहे। देश की हजारों मील लंबी समुद्री सीमा की तरफ कोई आंख उठाकर भी ना देख सके, इसके लिए मिलन 2020 के रूप में भारत ने हिंद महासागर का सिकंदर बनने की तैयारी कर ली। जैसे कि एक फ्लोटिंग एयरक्राफ्ट कैरियर है, वैसे ओशन के अंदर आप जा रही है इंडियन सदर्न एंड टिप, अगर आप देखो, प्लस आपके आइलैंड टेरिटरीज है, तो चाइनीज उतना ज़्यादा अगर हमारे को इक्वल करना चाहते हैं यहाँ पे, तो उनको शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे डिप्लॉय करने पड़ेगी। जहाँ तक कि पाकिस्तान नेवी का सवाल है, पाकिस्तान नेवी के साथ हमारा अगर नॉर्मल मुकाबला हो एक हो, तो मेरे ख्याल में हमारी नेवी उनसे काफ़ी आगे है। मिलन 2020 में चुन चुन कर ऐसे देशों को इकट्ठा किया गया है जो चीन के खिलाफ भारत का साथ दे सकते हैं। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, सेशल्स, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, केनिया, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जैसे देश शामिल हैं। इनमें से कुछ देशों के जंगी जहाज शामिल होंगे तो कुछ देशों की तरफ से डेलीगेशन शामिल होगा, मतलब चीन और पाकिस्तान के लिए अब अपनी साजिशों को अंजाम दे पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाएगा।